अगर आप सोच रहे हैं आपके घर के लिए या आपका कोई ऑफिस के लिए एक जनरेटर सेट का जरूरत है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का जनरेटर आपको लेना चाहिए, कितना कैपेसिटी का लेना चाहिए और कौन सा कंपनी का जनरेटर बेस्ट रहेगा, तो आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका घर के लिए ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट जनरेटर कौन जनरेटर रहेगा और कौन सा कंपनी का जनरेटर रहेगा, इसका माइलेज क्या रहेगा, इसका प्राइस भी कितना रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मान लीजिए आपका घर के लिए एक जनरेटर का जरूरत है, तो घर में जो लोड नेचुरली रहता है, मान लीजिए आपका अगर छोटा साइज का घर है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए मैक्सिमम लोड आपका रहेगा 1 किलो से नीचे, 1 किलोवाट से नीचे आपका लोड है, तो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट जनरेटर रहेगा ये होंडा कंपनी का पेट्रोल जनरेटर। इसका मॉडल है होंडा 650 जो है, ठीक है, 650 वाट का ये जनरेटर है। ये जनरेटर आप ले सकते हैं और ये जनरेटर एकदम साइलेंट जनरेटर है, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट जनरेटर है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, ठीक है। इसका मेंटेनेंस उतना नहीं है, ये पेट्रोल में रन करता है और 1 लीटर पेट्रोल में ये लगभग 2 घंटा प्लस ये चलता है, ठीक है। बात करते हैं इसका कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है, ये जनरेटर में आपका उतना मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं रहता है, ये मेंटेनेंस फ्री जनरेटर है और ये पेट्रोल में चलता है, इसीलिए इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहता है। ये रिकॉइल से स्टार्ट होता है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, रिकॉइल स्टार्ट जनरेटर है और ये जनरेटर स्टार्ट करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए ये जनरेटर स्टार्ट करने के लिए ये है चोक लीवर, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, फिर जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा रिकॉइल से चोक को डाउन कर दीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। और ये जनरेटर होंडा कंपनी का जनरेटर है और होंडा कंपनी का एक नाम है, ठीक है, छोटा वाला जनरेटर सेगमेंट में। इसका जो इंजन है, इंजन भी अच्छा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उतना जल्दी। जैसे कि ये जनरेटर हमारा सर्विस में आया हुआ है और ये जनरेटर 5 साल चलने के बाद सर्विस में आया है दोस्तों, ठीक है, 5 साल, तो 5 साल बाद ये जनरेटर सर्विस में आया है, तो हम लोगों ने इसको सर्विस कर दिया, अब ये बिल्कुल नया जैसा हो गया। और इसका वजन भी ज़्यादा नहीं है, इसका वेट है मैक्सिमम 15 से 17 किलो इसका वेट है, तो कोई भी जगह पे आप बहुत आसानी से इसको ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं इसका प्राइस, ठीक है दोस्तों, इसका जो प्राइस है ये प्राइस लगभग आपका 25 से 28 हज़ार के अंदर में ये आ जाएगा, ठीक है। ये लोकेशन बेसिस पे प्राइस अलग अलग होते रहेगा उसका ट्रांसपोर्टिंग की वजह से। तो ये जनरेटर आप परचेस कर सकते हैं, आपका कैपेसिटी अगर एक पोर्टेबल साइलेंट जनरेटर का है तो ये जनरेटर आप आसानी से परचेस कर सकते हैं।